हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू कमाल के वीडियो के अंदर। तो भाई लोगों, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू इवेंट्स के बारे में, जैसे सुपर गेमर बंडल रिटर्न, गोल्ड रो इवेंट रिटर्न, रेबिल अकेडमी, न्यू घोस्ट गोल्डन शेड बंडल गेम के अंदर आपको कब तक देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन कमाल के इवेंट्स एंड अपडेट्स आज के इस वीडियो पे आप लोगों को पता चलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इन फ्यूचर ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, कल गेम के अंदर आप लोगों को एक न्यू रिंग इवेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बॉनी रिंग इवेंट। इस रिंग इवेंट के ऊपर आप लोगों को हैलोवीन थीम पर भी सभी के सभी आइटम्स डाल के दिए जाएंगे। इस रिंग इवेंट के ऊपर बेसिकली कुल मिला के आप लोग को 8 या फिर 10 आइटम देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला एक पैरासूट का स्किन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये रिंग इवेंट कल सुबह 4 बजे गेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर आप लोगों को एक ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा खासा है। और जितने भी हैलोवीन के आइटम्स आप लोगों को 2023 के अंदर देखने को मिले थे ओबी 42 अपडेट के बाद से, वो सभी आइटम्स आप लोगों को इसी रिंग इवेंट के ऊपर डाल के दिए जाने वाले हैं, ठीक है। साथ ही में जो आप लोगों को यहाँ पे थर्ड रिवॉर्ड देखने को मिलेगा वो एक पैट का स्किन होगा जो कि कैक्टस पैट का स्किन है, और ये भी काफी अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कि आप लोगों को यहाँ पे कौन सा आइटम निकालना है, ठीक है। जितने भी मैं आप लोगों को आइटम दिखा रहा हूँ, ये सभी के सभी आइटम्स आप लोगों को इसी रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसके अंदर आप लोगों को एक लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिलेगा, ये भी काफी अच्छा खासा है। इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा स्केलेटन का देखने को मिल रहा है, ठीक है, टेक्सचर देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक बैकपैक का स्किन देखने को मिलेगा, ये बैकपैक का स्किन भी काफी ज्यादा ओपी है। सभी सर्वर्स के ऊपर ये आइटम्स आ चुके थे, बस इंडियन सर्वर के ऊपर ये आइटम्स स्पेंडिंग बढ़े हुए थे, ठीक है। और साथ ही में एक बंडल भी आप लोगों को इसी रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिलेगा, ये भी काफी अच्छा खासा होने। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि तुम लोग यहाँ पर इस रिंग इवेंट के ऊपर से कौन से आइटम को निकालना पसंद करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। और ये रिंग इवेंट कल सुबह 4 बजे गेम के अंदर आप लोगों को इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर तीनों ही सर्वर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इनक्यूबेटर की सीरीज से फेमस हुए रेबिल अकेडमी के बंडल्स भी गेम के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेंगे। और रेबिल अकेडमी के बंडल ही नहीं बल्कि साथ में इसके और भी बहुत सारे आप लोगों को इनक्यूबेटर के बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि गैना फिफा ने इंडियन सर्वर के ऊपर आप लोगों को सिर्फ कुल मिला के कुछ ही बंडल्स को रिटर्न किया, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बंडल्स ऐसे हैं जो दोस्तों आप लोग को आने वाले टाइम के अंदर हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर या तो रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे या फिर आप लोग को लक रॉयल के ऊपर देखने को मिलेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग को रेबिल अकेडमी के जो बंडल्स है वो आप लोग को होली इवेंट के आसपास तक देखने को मिल जाएंगे, इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर तीनों सर्वर के ऊपर। और इसी के अंदर दोस्तों आप लोग कुछ और बंडल्स भी रिटर्न में देखने को मिलेंगे। जो बंडल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इससे हटके भी कुछ और बंडल्स आप लोगों को इनक्यूबेटर सीरीज के देखने को मिलेंगे रेबिल अकेडमी के साथ में। पर आप लोग मुझे यहां पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को यहां पर रेबिल अकेडमी इनक्यूबेटर की सीरीज में कौन सा बंडल सबसे ज्यादा पसंद आता है। मुझे तो रेड वाला और ये येलो वाला बंडल सबसे ज्यादा पसंद आता है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना। और जब ये इंडियन सर्वर के ऊपर आएगा तो क्या आप लोग इसको निकालेंगे या फिर नहीं, और अगर इसको आप लोग निकालना चाहते हैं ना तो अपने अकाउंट के अंदर बहुत अच्छे खासे डायमंड्स को संभाल के रखना, तभी जाके दोस्तों आप लोग इसमें से किसी बंडल को निकाल पाए। और साथ ही में दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यू घोस्ट गोल्डन शेड बंडल के बारे में, जो कि दोस्तों गेम के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये दोस्तों आप लोगों को होली इवेंट तक गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, और जिस टाइम ये गेम के अंदर आएगा ना उस टाइम आपके अकाउंट से बहुत सारे डायमंड्स को चूसने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये इकलौता बंडल नहीं आएगा। इससे पहले जो हमारे ओल्ड वाले गोल्डन शेड के बंडल हैं वो सभी के सभी आप लोगों को एक ही इवेंट के ऊपर रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आप लोगों के लिए यहाँ पर नेवी शेड बंडल हो, फैंटम शेड बंडल हो, या फिर गोल्डन शेड बंडल हो, या फिर कोई और गोल्डन शेड बंडल हो, सभी के सभी आप लोगों को एक ही रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों के बंडल, ठीक है। पर इस रिंग इवेंट के ऊपर जो आप लोगों को मेन गोल्डन शेड का बंडल देखने को मिलेगा वो न्यू घोस्ट गोल्डन शेड बंडल ही होने वाला है, जिसको निकालने के लिए आप लोगों के अकाउंट के अंदर मिनिमम 5000 डायमंड होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग इसे एक्सचेंज करने जाएंगे टोकन से तो करीब करीब आप लोगों को यहाँ पर 400 से लेकर 450 या फिर 500 टोकन तक एक्सचेंज करने का प्राइस देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोगों, तुम खुद देख लेना तुम लोग इस न्यू घोस्ट गोल्डन शेड बंडल को निकालना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो।
ये गोल्डन शीट का बंडल आप लोगों को गेम के अंदर होली इवेंट के आसपास देखने को मिल जाएगा, इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर तीनों ही सर्वर के ऊपर, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों बात कर लेते हैं सुपर गेमर बंडल रिटर्न को लेके, जिसको लेके मेरे पास यहाँ पर एक अपडेट निकल के आई है। सुपर गेमर बंडल आज से करीब एक साल पहले गेम के अंदर आया था और उस टाइम गाइना फैन ने कहा था हम आज इस बंडल को लॉन्च कर रहे हैं, इसके अगले एक साल तक हम इस बंडल को लॉन्च नहीं करेंगे। तो भाई लोगों इस बंडल को आए हुए करीब एक साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो गेम के अंदर आप लोगों को अब ये बहुत जल्दी रिटर्न में देखने को मिल जाएगा और ये आप लोगों को OP44 के अपडेट पे रिटर्न देखने को मिलेगा, जहां पे दोस्तों आप लोगों को इसकी थीम पर पे जितने भी आइटम्स होने वाले हैं वो सभी के सभी रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। चाहे इसके अंदर आप लोगों के लिए वुड पैकर का स्किन हो या फिर ग्लोल का स्किन हो या फिर बंडल का स्किन हो या फिर ये मेल बंडल का स्किन हो, या ये जो मेल बंडल है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही में और भी काफ़ी सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जो आप लोगों के लिए फर्स्ट बंडल था ना स्पेशल इफेक्ट वाला वो यही वाला बंडल था, ठीक है। इसके बाद से गाइना फीवर ने यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट वाले बंडल्स को डालना स्टार्ट किया था और आज तक गाइना फीवर आप लोगों को स्पेशल ट्रिगर्ड और स्पेशल इफेक्ट वाले बंडल देता हुआ आ रहा है। तो अगर आप लोग इस वाले बंडल को निकालना चाहते हैं और आप लोग पिछले एक साल से वेट कर रहे हैं इस बंडल के आने का, तो आप लोग अपने अकाउंट के अंदर अच्छे खासे डायमंड्स को संभाल के रख लो, आप लोगों को बहुत जल्दी गेम के अंदर ये सुपर गेमर बंडल देखने को मिल जाए। तो दोस्तों तुम लोग मुझे कॉमेंट करके बताना क्या तुम लोग इस सुपर गेमर बंडल का पिछले एक साल से वेट कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे, और जब ये गेम के अंदर आएगा तो क्या तुम लोग इसको निकालना चाहोगे या फिर नहीं चाहोगे, कॉमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही में दोस्तों अब बात कर लेते हैं गोल्ड रो इवेंट रिटर्न को लेके, जिसको लेके काफी टाइम से मुझसे ऑडियंस कमेंट करके पूछ रही है क्या भाई गेम के अंदर कभी हमें वापस से गोल्ड रो इवेंट रिटर्न में देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसा कभी आप लोगों को वापस से इवेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइना फीवर कभी नहीं चाहेगा कि उनकी ऑडियंस खुश हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बाकी गेम्स के मुकाबले गाइना फीवर बहुत ज्यादा हटके सोचता है, बाकी गेम सोचते हैं कि उनकी ऑडियंस खुश रहे, पर गाइना फीवर चाहता है कि उनकी ऑडियंस कभी भी खुश ना रहे, ठीक है। तो इस वजह से गाइना फीवर ऐसा इवेंट वापस कभी नहीं देगा जिससे उनकी ऑडियंस के चेहरे पे कोई खुशी आ सके, ठीक है। वो लोग सिर्फ ऐसा इवेंट आप लोगों को देंगे जहां पे वो लोग आप लोगों की जेब को खाली करवा सके और आप लोगों का चूतिया काट सके, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग अपनी उम्मीद को मत बना के रखना कि तुम लोगों को यहां पर गोल्ड रो इवेंट वापस देखने को मिलेगा या फिर इसके सिमिलर कोई और इवेंट देखने को मिलेगा। गाइना फीवर अगर ऐसा करना चाहती तो तुम लोगों को यहां पर पहले ही गोल्ड रो इवेंट दे देती या फिर इससे सिमिलर कोई और इवेंट दे देती, ठीक है। तुम लोग चाहे यहाँ पर पिछले एक साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, तुम लोगों को ऐसा कोई भी फ्री इवेंट देखने को नहीं मिला होगा जिससे तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके हो, ठीक है। तो भाई तुम लोग होप मत रखना कि तुम लोगों को कोल्ड रो इवेंट वापस देखने को मिलेगा, पर अगर इन फ्यूचर कोल्ड रो इवेंट आता तो भाई मुझे लगता है गाइना फीवर सुधर जाएगी, वरना तुम लोग भाई भूल जाना कि कोल्ड रो इवेंट कोई था भी हमारे गेम के अंदर, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इन फ्यूचर ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, और अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई अपडेट चल रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके कमेंट को जरूर पिक करूंगा। और दोस्तों तुम लोग अगर यहां पर कोबरा MP40 या फिर स्ट्रीट थग बंडल की रिटर्न डेट जानना चाहते हो तो उसके लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना और लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके तुम लोग यहां पर ब्लैक टी शर्ट की रिटर्न डेट को जान सकते हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइस, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.